महाराष्ट्र के तुळजापूर में तुळजा भवानी शरद नवरात्र महोत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। तहसीलदार सौदागर तांडले ने मंदिर संस्थान के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगावकर के आदेश पर मंगलवार को मंदिर संस्थान कार्यालय में पत्र परिषद द्वारा ये जानकारी दी है। इस बैठक में B1 से 31 अक्टूबर तक की अवधि के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में श्री तुळजा भवानी मंदिर संस्थान की ओर से नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि इस शरद नवरात्र उत्सव के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को मिलावे में अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों और धार्मिक स्थलों को सरकार के अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाएगा। सभी सार्वजनिक समारोह और समारोहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसी तरह गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इस साल नहीं किया जाएगा। कोरोना की पृष्ठभूमि पर सभी नियमों का पालन करने के लिए एकमत मत से यह निर्णय लिया गया है। महामारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्री तुळजा भवानी देवी जी के शरद नवरात्र महोत्सव 2020 को सादगी पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है। संक्रामक रोग की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माता तुळजा भवानी देवी जी का शरद नवरात्र महोत्सव 2020 मनाने का निर्णय तो लिया गया है, लेकिन इस दौरान भक्तों और भक्तों को नवरात्रि पर्व के दौरान वाहन या पैदल श्री क्षेत्रीय तुळजापूर शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर तुळजापूर शहर के लोगों को और श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान कोई भी नवरात्र मंडल भाविक भक्त हो, श्री क्षेत्र तुळजापूर शहर में यात्रा काल के दौरान भवानी जोत ले जाने के लिए भी मनाई है। PIP या पत्रकारों को अनुमंडल पदाधिकारी उस्मानाबाद और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तुळजापूर और मंदिर तहसीलदार के अनुमोदन से ही अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस अवधि के दौरान मंदिर संस्थान द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी अपनाया जाएगा। दैनिक कीटाणु शोधन, सामाजिक मानदंडों का पालन, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान मंदिर या मंदिर परिसर में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं किया जा सकता। तहसीलदार सौदागर तांडले ने नवरात्रि पर्व के दौरान श्री देवी जी के दर्शन मंदिर संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भक्तों से प्रशासन का सहयोग करने की मांग की है। NBC News के लिए प्रतीक भोसले की रिपोर्ट।